भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर पाकिस्तान पर साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाक संसद को संबोधित करते हुए कहा कि हमें डर था कि पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद भारत कहीं मिसाइल हमला ना कर दे, इसलिए पूरा देश अलर्ट पर रखा गया था। हवाई सेवाएं रोक दी थी और सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा था। इमरान खान ने कहा कि भारतीय एक्शन से हम खुश नहीं थे, जैसे वो हमारी सीमा में घुसे उसी तरह हम भी भारतीय सीमा में अंदर आए, उनके दो विमान भी हमने मार गिराए हैं, लेकिन हम शांति चाहते हैं, हम केवल ये दिखाना चाहते थे कि हम भी हमला कर सकते हैं। भारत ने आज पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद पर डोजियर सौंपा है। यदि भारत हमले के पहले डोजियर देता तो हम कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने डोजियर देने से पहले ही हम पर हमला कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, इसके लिए मैंने कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन हम जो ये कोशिश कर रहे हैं उसे कमजोरी ना समझा जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना द्वारा की गई बमबारी के जवाब में बुधवार सुबह पाकिस्तानी विमान भी भारतीय सीमा में घुस आए थे और नौशेरा सेक्टर में बमबारी की। इसके जवाब में भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के विमानों को खदेड़ दिया और उनका एक F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत का एक मिग विमान पाकिस्तानी सीमा में क्रैश हो गया और पायलट अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया गया।